हमारी विक्रम बेताल की अगली कहानी का नाम है असली वर कौन। कई बार बेताल को अपने साथ ले जाने की असफल कोशिश के बावजूद राजा विक्रमादित्य ने हार नहीं मानी। राजा विक्रमादित्य फिर से पेड़ के पास गए और बेताल को अपनी पीठ पर लटकाया और बेताल ने भी राजा विक्रमादित्य को कहानी सुनाना शुरू किया। इस बार की कहानी थी असली वर कौन। सदियों पुरानी बात है, उज्जैन नगरी में महावल नाम का एक राजा राज किया करता था। राजा बहुत ही पराक्रमी था, दयालु था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था महादेवी। महादेवी जो थी वो बहुत ही सुंदर थी, सुशील लड़की थी। जब वह विवाह के योग्य हो गई तो राजा महाबल ने उसके लिए योग्य वर की तलाश करना शुरू कर दिया। एक एक करके कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लिए राजा के पास आए, लेकिन राजा को कोई पसंद नहीं आया। राजकुमारी से विवाह करने के लिए राजा ने एक शर्त रखी थी कि उसकी बेटी का होने वाला पति जो होगा वो हर चीज़ में निपुण होगा। इस तरह कई दिन बीत गए लेकिन राजा को अपनी बेटी के लिए योग्य वर नहीं मिला। एक दिन की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे तभी वहाँ एक राजकुमार आया और उसने कहा, मैं राजकुमारी महादेवी से विवाह करना चाहता हूँ। सुनकर राजा ने कहा, हे राजकुमार, मैं अपनी बेटी का विवाह उसी से करूँगा जो सर्वगुणी हो। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, मेरे पास ऐसा रथ है जिसमें बैठकर क्षण भर में कहीं भी पहुँच सकते हैं। यह सुनकर राजा ने कहा, ठीक है, तुम कुछ दिन रुको, मैं राजकुमारी से पूछकर जवाब दूंगा। कुछ दिन बाद एक और राजकुमार वहाँ पहुँचा। उसने राजा से कहा, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों को देख सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी का विवाह मुझसे हो। राजा ने उससे भी इंतजार करने के लिए कहा। कुछ दिनों के बाद राजा महाबल के पास एक और राजकुमार आता है और उनकी बेटी का हाथ मांगता है। राजा ने उससे पूछा, तुम में ऐसा क्या गुण है जो मैं अपनी पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ करूं? राजकुमार ने कहा, राजन, मैं धनुर्विद्या में निपुण हूं, मेरी जैसा धनुर्धारी दूर दूर तक आप नहीं देख पाएंगे। राजा ने उससे पूछा, बहुत खूब। उससे कहा, बहुत खूब। राजकुमार, आप कुछ दिन प्रतीक्षा करें, मैं अपनी बेटी से बात करके आपको जवाब दूंगा। अब राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों ही राजकुमार गुणवान हैं, लेकिन वह तीनों में से किसी एक के साथ राजकुमारी की शादी कर सकता है। तो अब सवाल यह था कि राजकुमारी का विवाह किससे हो। वहीं दूसरी ओर एक भयानक राक्षस राजकुमारी महादेवी पर नज़र लगाए बैठा था और एक दिन जैसे ही उसे मौका मिला उसने राजकुमारी को अपहरण कर लिया। यह खबर जैसे ही महल में फैली तो राजा, रानी और तीनों राजकुमार एक जगह इकट्ठा हुए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने बताया कि वह राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है क्योंकि वो सभी कालों को देख सकता था। इस पर पहले राजकुमार ने कहा, मैं अपना रथ निकालता हूँ और हम सब उस पर बैठकर विंध्याचल चल सकते हैं। तीसरे राजकुमार ने अपना तीर कमान संभाला और कहा, मैं उस राक्षस को मार गिराऊंगा और मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसके बाद तीनों राजकुमार रथ पर बैठकर विंध्याचल पर्वत की ओर चले। उन्हें जैसे ही वह राक्षस दिखा तो धनुर्धारी राजकुमार ने कुशलता से उसका वध कर दिया और वो राजकुमारी को बचाकर फिर से महल ले आए। इस कहानी को सुनाने के बाद बेताल ने राजा विक्रमादित्य से कहा, राजन, राजकुमारी को बचाने में तीनों राजकुमारों का योगदान था, तो अब मुझे बताओ कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। राजन, मैंने सुना है कि तू हमेशा न्याय करता है, जल्दी उत्तर दे वरना तेरे सिर से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए क्योंकि उसने राक्षस से लड़ाई करके राजकुमारी को बचाया और बाकी दोनों राजकुमारों ने तो उसकी मदद की थी। बस फिर क्या था, जैसे ही राजा विक्रमादित्य ने बोला बेताल उसकी पीठ से उड़कर फिर से पेड़ पर जा लटका। तो यह थी हमारी आज की कहानी। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।